नमस्कार मित्रों, आज हम आए हैं पानीपत चिकन मेले में और हमारे साथ हैं श्री आज़ाद राठी जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं ब्रॉयलर ब्रीडर एसोसिएशन नॉर्थ के। नमस्कार राठी साहब। नमस्कार। और ठीक हो रवि भाई? हाँ जी ठीक है सर। चैनल अभी धन्यवाद करते हैं जो आप हमारी आवाज को उठाने के लिए, चिकन मेले के लिए अगर जागरूक करने के लिए पहुँचे हो। सर, आज आपने ये चिकन मेला लगाया तो क्या उद्देश्य था इस चिकन मेले को लगाने का? इसका उद्देश्य ये था, थोड़ा सा अगर ये चाहते दबे, अगर देखो पहले क्या होता था, दूध थारे जो यहाँ का दूध अगर गैस बाएँ अपने जो उपचर के आती थी उससे अगर प्योर मिलता था बच्चों को, बुजुर्गों को दिक्कत नहीं थी। अब दिक्कत क्या रही है, जो कि अगर आज के दिन सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया, कोई मिलावट नहीं है चिकन में, जो प्रोटीन है ना उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, उसको हम पब्लिक को ये जागरूक करने जा रहे हैं भाई डेली 100 ग्राम चिकन खाना चाहिए, एक टाइम तो हर भाई ने खाना चाहिए, अंडा खाना चाहिए, उससे भी अगर जैसे एक अंडे से 6 ग्राम कम से कम अगर प्रोटीन मिलता है, 100 ग्राम चिकन खाएगा तो 26 ग्राम जो भी है प्रोटीन मिलता है। इसके अगर जागरूक करने के लिए हमने आज ये पब्लिक को बताने के लिए अगर चिकन मेला लगाया। तो चिकन खाने से और अंडा खाने से क्या क्या फ़ायदे पब्लिक को होने वाले हैं? जो आपने चिकन खाने से और अंडा खाने से अगर देखो, एक तो सबसे पहला ये बताना चाहता हूँ मैं भाई, चिकन एक इम्यूनिटी पावर को इतनी मेंटेन बनाकर रखता ताकि बीमार बहुत कम होते हैं जी। अगर जैसे अगर उसकी इम्यूनिटी पावर को कम होगी तो बीमार बार बार होगा जी। चिकन खाने से अगर तंदुरुस्त रहेगा तो काम भी ज़्यादा होगा, जब काम ज़्यादा होगा तो आमदनी भी ज़्यादा आएगी। तो ये पब्लिक को हम समझाने के लिए अगर चिकन मेला लगा रहे हैं। आज के जो युवा हैं वो उनकी ज़िंदगी जो है काफ़ी भागदौड़ वाली है, तो उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये जो है चिकन जो है प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, तो आप क्या संदेश उनको देना चाहेंगे? ये संदेश देना चाहेंगे भाई, अगर इससे अच्छा और इससे बढ़िया कोई भी प्रोटीन का कोई हो नहीं है। अगर आप अगर बाज़ार से लेकर आते हो ना, उसके अंदर ये नहीं रहा कितनी मिलावट है, अगर आप इसको खाओ आज के दिन, अगर जो भी अगर बड़ी बड़ी बीमारी को लग जाती है तो डॉक्टर भी सलाह देते हैं भाई, अगर जैसे टीवी है कुछ बीमारी है वो चिकन खाओ, वो अगर वो चिकन खाने से अगर जब उसकी अगर वो बीमारी अगर ठीक होती है तो मेडिसिन तो लेनी पड़ती है, ताकि चिकन खाने से और उससे जल्दी अगर होती है। तो इसी करके हर बच्चे ने, हर बुजुर्ग ने, हर जवान ने चिकन खाना बहुत जरूरी है, उसमें प्रोटीन सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया है। प्रोटीन के और भी स्रोत हैं जैसे पनीर हैं, दालें हैं, तो चिकन बेस्ट कैसे है? देखो आपने पनीर की बात करी है जी, पनीर को आप क्या अगर मानोगे आज, अगर ये तो है नहीं अगर जब कोई भी त्यौहार आता है अगर उसमें एकदम इतना दूध आ जाता है जी, वो मिठाई और वो पनीर बनता है, उसके अंदर मिलावट इतनी है जी, आप क्या बताएं उसका यूरिया खार उसमें, ठीक है, अगर क्या क्या अगर बताऊँ, इतनी मिलावटें हैं, अगर उसको आप खा रहे हो जहर खा रहे हो, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। इसी तरह अपन है, इससे अच्छा प्रोटीन का सोर्स हमारे पास नहीं है, अगर सेहत और अपने अच्छी रखनी है तो। जैसा कि आपका स्लोगन है प्रोटीन का पावर हाउस, तो चिकन पूरी तरह से एक प्रोटीन का पावर हाउस है, बिना मिलावट के ऑर्गेनिक सबसे अच्छा स्रोत है, यही आप कहना चाहते हैं? यही कहना चाहता हूँ, अगर ये ना जो चिकन का ना, जैसे अगर बिजली का पावर हाउस होता ना, ये प्रोटीन अगर पावर हाउस है, इससे अगर अच्छा अगर कोई भी चिकन का पावर हाउस नहीं है। तो लोग अब काफ़ी संख्या में बाहर मैंने देखा बहुत आ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है, क्या ये आपका सक्सेसफुल? बड़ी खुशी है, हमने तो ये सोचा भी नहीं था भाई इतने अगर जो भी है भाई आ जाएंगे जी। हम तो पहला तो अगर मजबूरी में लगाते थे कहीं भी, अगर जैसे अगर कोरोना के टाइम पे अगर कहीं फ्लू आ गया, अब तो हमने सिर्फ अगर प्रोटीन के बारे में अगर पब्लिक को जागरूक करने के लिए अगर लगाया है, इतने भाई अगर हमने सोचा भी नहीं था अगर आ जाएंगे, 5-6 हज़ार अगर जो कि आज भाई अगर यहाँ आए हैं और सब ने अगर चिकन खाया 50 रुपये में पेट भर, सब भाई बहुत खुश है। धन्यवाद राठी साहब, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी और हमारे दर्शकों को दी, तो आप सभी से, आप सभी को भी हम कहना चाहेंगे कि चिकन प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, इसे उपयोग कीजिए, अपनी डेली डाइट में इसे यूज कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सर।